आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक और YouTube मनी प्रिंटिंग चैनल आइडिया शेयर करूंगा जिस पे मैं खुद अगस्त से काम स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप मेरे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बन सकते हो और इस चैनल से आप $2,000 पर मंथ इजिली 3 months के अंदर अचीव कर सकते हो। और इस चैनल आइडिया से आप जितना भी पैसा बना लो, आपको वीडियोस फोन से ही बनाना है और लिटरली कॉपी पेस्ट कॉन्टेंट है, तो अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है यूट्यूब पे सक्सेसफुल ना होने का। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन था मेरे RPM को लेकर, तो ये मेरे लीस्ट परफॉर्मिंग वीडियो थे। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, एक महीने में इस पे सिर्फ 48,000 व्यूज आए, ऑलमोस्ट 50,000 कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो और सारी वीडियोस पे और भी ज्यादा व्यूज आए। यहाँ पे ये वीडियो मेरी हाईएस्ट परफॉर्मिंग वीडियो बन चुकी है चैनल की। 2 महीने में इस वीडियो ने ऑलमोस्ट 700,000 व्यूज को क्रॉस कर लिया है। जिस रेट पे ये वीडियो चल रहा है उस रेट पे ये वीडियो आराम से ये वीडियो 1.5 मिलियन व्यूज तक जाएगा। अभी मैं आपको इसका अर्निंग दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को जैसा कि मैंने बोला ऑलरेडी कंफ्यूजन था, तो यहाँ पे मैं वीडियो एनालिटिक्स में आ चुका हूँ। ये जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो 49,000 व्यूज है, रेवेन्यू $178 इसका बना हुआ है। यहाँ पे अभी मैं आपको रेवेन्यू सेक्शन में सीधा जंप करवाता हूँ जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो $3.68 का RPM है। यहाँ पे अगर मैं इसका अपलोड लाइफ टाइम करूंगा तो आप जैसे कि देख सकते हो शुरू में इसने फर्स्ट डे ही $30 का रेवेन्यू जनरेट किया। अगर मैं आपको इसको जैसे कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि INR में करके दिखाओ, तो मैं INR में करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो मैंने इसे INR में कर दिया। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो 279 rupees 13.5K का रेवेन्यू है। यहाँ पे इसका RPM एक दिन बहुत ज्यादा उठ गया था, जैसे कि देख सकते हो ऑलमोस्ट 600 rupees का RPM चला गया था। और आप समझ सकते हो मार्च अप्रैल और मई में ये मेरी लीस्ट परफॉर्मिंग वीडियो यानी इसी पे सबसे कम व्यूज आया। आज इस वीडियो का RPM थोड़ा लो होगा क्योंकि मैंने एक मिस्टेक किया, बट वो नेसेसरी था क्योंकि कुछ लोग जिनका एक साल का यूट्यूब इनकम मेरे एक वीक के यूट्यूब इनकम के बराबर है, वो लोग फालतू का हेट स्प्रेड कर रहे थे। बट इससे मुझे फायदा हो रहा है क्योंकि लो क्वालिटी ऑडियंस मेरे चैनल से जितने जल्दी दूर होगा उतना फास्ट पैसा बनेगा, बिकॉज हाई टिकट सेलिंग के लिए आपको लो टिकट ऑडियंस नहीं चाहिए होता, क्योंकि आपको हाई टिकट प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए हाई टिकट ऑडियंस चाहिए होता है। अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप चाहो तो अगर आपको यूनिक कंटेंट पसंद है यूट्यूब से अर्निंग से रिलेटेड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब मैं आपको एक चैनल दिखाता हूं। यहां पे आप जैसे कि देख सकते हो इसकी वीडियोस का लेंथ 2-2 मिनट का, 2 मिनट 3 मिनट 2 मिनट 7 सेकंड। आप अपने से कुछ भी जाकर ट्राई मत करना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा अगर आप बिना स्ट्रेटजी के साथ काम करोगे। आप इस वीडियो को प्रॉपरली देखकर समझ लो तभी आप इसमें सक्सेसफुल हो पाओगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो 5 घंटे में 29 व्यूज, 6 घंटे में 11 व्यूज, 7 घंटे में 21 व्यूज, 8 घंटे में 26 व्यूज, 9 घंटे में 13 व्यूज। ये बंदा जैसे कि आप देख सकते हो 8 वीडियोस पर डे के रेट से अपलोड कर रहा है वीडियो। अभी मैं आपको सोशल ब्लेड पे इसका स्टैट्स दिखाता हूँ। आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो इसका व्यूज कितना कम है। अब हम लोग सोशल ब्लेड पे आ चुके हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने चैनल का नाम आपको रिवील कर दिया, हाउ टू एप्स नाम है। आप खुद से जाकर भी देख सकते हो लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इस टाइप के चैनल्स पे काम करने के लिए आपको एक बहुत ही प्रॉपर प्लान का जरूरत होता है। बिना प्लान के आप एक वीक में कॉन्टेंट से आउट हो जाओगे। कॉन्टेंट से आउट कैसे नहीं होना है, प्रॉपरली कैसे सब चीजों को सेटअप करके रखना है, क्योंकि इस टाइप के चैनल्स को रन करने में आपको बहुत ही ज्यादा एंग्जाइटी इश्यूज हो सकता है, तो इसके लिए आपको सारी चीजों को पहले से प्रिपेयर करके रखना है। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो इस बंदे को ऑलमोस्ट 2.8 मिलियन व्यूज पर डे आ रहा है। अगर मैं इसका ग्रोथ ग्राफ आपको दिखाऊं तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो धीरे धीरे ये चैनल ग्रो होते गया और आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो इसे पर मंथ 3 मिलियन व्यूज आ रहा है। और क्योंकि ये टेक नीश में और आईफोन के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो ये आईफोन के बारे में बात करते हैं, हाउ टू गेट होम बटन ऑन आईफोन स्क्रीन। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो मैं अपने और अदर चैनल्स के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ इसका RPM ऑलमोस्ट $4 to $8 के बीच में होगा। अगर हम लोग $4 भी लेकर चलते हैं जो कि सोशल ब्लेड लेकर चल रहा है, तो यहाँ पे आप इसका मंथली अर्निंग्स देख सकते हो ऑलमोस्ट $12,000। और ये कोई रॉकेट साइंस का काम नहीं कर रहा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको प्रॉपर्ली कीवर्ड्स को फाइंड कैसे करना है, सारी चीजें कैसे करनी है जिससे कि आपका चैनल तुरंत सेटअप हो सके और प्रॉपर्ली ग्रो कर सके। इस टाइप के चैनल्स में आपको पर डे इतना वीडियोस अपलोड करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो इस टाइप के चैनल्स पे आपको लगातार व्यूज आते ही रहते हैं, जैसे कि हाउ टू फिक्स आईफोन इफ टच स्क्रीन इज नॉट वर्किंग। तो इस टाइप के जो वीडियोस होते हैं ये लॉन्ग टर्म में व्यूज लेकर आते हैं। हर वीडियो पर मंथ 200 व्यूज लेकर आ रहा है। तो ऐसे आपके पास अगर मान लो 1,000 वीडियोस है तो आपके 2 लाख व्यूज कंप्लीट हो। उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स जिनको आप सॉल्व कर रहे हो वो बहुत ही ज्यादा वायरल होंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा इन सारी चीजों को कैसे फाइंड किया था। उससे पहले आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो हाउ टू टर्न ऑफ वैनिश मोड, हाउ टू टर्न ऑन वैनिश मोड, हाउ टू टर्न ऑफ वैनिश मोड। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो 2-2 मिनट के ट्यूटोरियल्स हैं और ये ट्यूटोरियल्स लिटरली सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे क्या बनाना है तो आप कैसे इस चीज को प्रॉपरली कर सकते हो। यहाँ पे टॉपिक्स फाइंड करना आप अपने मन से कुछ भी नहीं बना सकते क्योंकि ये एक सर्च बेस्ड चैनल है। अब मैं आपको इसका मोस्ट पॉपुलर वीडियो दिखाता हूँ क्योंकि ये एक सर्च बेस्ड चैनल है। इसका मतलब होता है कि आप
आपके वीडियोस पे ब्राउज फीचर्स से और सजेस्टेड से बहुत ही कम ट्रैफिक आने वाला है। मेनली जो ट्रैफिक आने वाला है जब लोग यूट्यूब पे कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढेंगे तब आपकी वीडियोस उनको दिखेंगी और फिर वो आपके चैनल को वॉच कर सकेंगे। यहाँ पे आपका कोई लॉयल ऑडियंस बेस नहीं होगा, बट क्योंकि आप इतने सारे लोगों के इतने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे इसी वजह से आपके चैनल पे लगातार व्यूज आते ही रहेगा। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, इसके अगर मैं मोस्ट पॉपुलर वीडियो में आपको ले जाकर दिखाऊं, और इसके मोस्ट पॉपुलर वीडियो में जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हाउ टू फाइंड इंस्टाग्राम पासवर्ड एंड यूजर नेम, अगर मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा हाउ टू फाइंड इंस्टाग्राम पासवर्ड एंड यूजर नेम, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो मैंने सर्च कर दिया। अब आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये नंबर वन पोजीशन पे रैंक कर रहा है 989,000 व्यूज के साथ, ये 366 के साथ सेकंड पोजीशन पे 1.2 मिलियन। तो आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो ये कंटेंट आप हिंदी में भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, बट हिंदी में मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि अगर आपको इंग्लिश आता है और यहाँ पे आपको टोफेल लेवल का इंग्लिश नहीं बोलना है, आपको यहाँ पे नॉर्मल इंग्लिश भी आता है तो आप आराम से अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखा होगा यूट्यूब पे जो कि इस टाइप का कंटेंट बनाते हैं और उनको लगातार बहुत ही ज्यादा व्यूज आता है। अब मैं आपको सबसे पहले सबसे बड़े ऑब्स्टिकल जो कि इस टाइप के चैनल्स में आता है उसको कैसे सॉल्व करना है ये बताऊंगा, क्योंकि आप भी जानते हो इस टाइप का एक मिनट का वीडियो बनाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं, सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड करना और लिटरली आप एक गो में बिना एडिटिंग के भी अगर आप एक महीने तक इस टाइप के चैनल्स पे काम कर लोगे उसके बाद आपको लिटरली एडिट करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि आप बोलने में उतना एक्सपर्ट हो चुके होगा और दो मिनट तक आप लगातार बोल पाओगे। कीवर्ड रिसर्च से पहले मुझे आपको कुछ बताना है, जो लोग हमारे कम्युनिटी पोस्ट में एक्टिव नहीं होंगे उनको शायद नहीं पता होगा, तो उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है जहाँ पे मैं 150 नीचे जो कि मेरे हैंड पिक नीशेस है, ऐसा नहीं कि कहीं से कॉपी कर लिया कहीं से पेस्ट कर दिया, ऐसे आपको 150 नीशेस दे रहा हूं प्लस कस्टम प्लान दे रहा हूं जिससे कि आप कंपटीशन को आराम से किल कर पाओ। अगर आप चाहते हो तो आप मुझे फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो क्योंकि सबको लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, 40 सीट्स लेफ्ट है, उसके बाद मैं शायद प्राइस को 2x या 3x करूंगा जिससे कि कम से कम लोग आए, और मुझे सिर्फ 100 स्टूडेंट्स चाहिए जिससे कि मैं उन्हें कंप्लीटली मेंटोर कर पाऊं अच्छे से। अगर आप ऑलरेडी यूट्यूब पे पैसा बना रहे हो या फिर आप हमारे ओल्ड सब्सक्राइबर हो तो आपको एंट्री आसानी से मिल जाएगा, उसके लिए आप फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो, फेसबुक का लिंक मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट में डाला हुआ है, आप वहीं पे से क्लिक कर जाना। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था यहाँ पे कंटेंट फाइंड करना सबसे डिफिकल्ट टास्क होगा, इसीलिए हम लोग सबसे पहले हम लोगों को इसी को क्लियर करना होगा, उसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो पर डे आपको ऑलमोस्ट 10 वीडियोस अपलोड करना होगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये हार्ड है, तो अगर आपको पैसिव इनकम एंजॉय करना है तो आपको एक्टिव इनकम शुरू में करना होगा। फ्लैश को जब मैंने स्टार्ट किया था तो ऑलमोस्ट मैं 15-20 वीडियोस पर मंथ अपलोड कर रहा था, अब ऑब्वियसली मैं एक एक महीने गैप ले ले रहा हूँ क्योंकि बिकॉज एजेंसी बहुत सारी चीजें स्टार्ट कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे फ्री टाइम चाहिए होता है, लेकिन अगर मैं पैसिव इनकम सोर्स बिल्ड नहीं कर पाऊँ तो मेरा इनकम लिटरली जीरो हो जाएगा या फिर बहुत ही कम हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको शुरू में पैसिव इनकम तो आपको ऑलमोस्ट पर डे 10 वीडियोस ऑलमोस्ट 100 डेज तक अपलोड करना, जिससे आपके पास 1000 वीडियोस का कलेक्शन हो जाएगा जिसे आप आराम से यूज कर सकते हो, और वही 1000 वीडियोस आपके लिए आपका बैकबोन बन चुके होंगे कि अगर मान लो आपके हर 1000 वीडियोस है उन पे एवरेजली अगर 1000 व्यूज पर मंथ आ रहा है, मैं नहीं बोल रहा कि हर वीडियो पे पर डे का 1000 व्यूज आ रहा है, पर मंथ भी अगर 1000 व्यूज आ रहा है तो आप समझ सकते हो आप इजिली 1 मिलियन व्यूज पे पहुंच चुके हो। आपकी उसमें से कुछ वीडियोस ज्यादा वायरल हो जाएंगी, कुछ वीडियोस पे ऑलमोस्ट लिटरली 20 व्यूज पे ही अटक जाएगा, इस टाइप से होगा। लेकिन आप जैसे जैसे कॉन्टेंट बनाते जाओगे आपको पता चलते जाएगा किस टाइप के कॉन्टेंट ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने प्रॉपरली सेटअप कर लिया, अगर आपको डॉक्स चलाने नहीं आता तो आप यहाँ आप यूट्यूब पे ही जाकर सीख सकते हो। यहाँ पे मैं अनटाइटल डॉक्यूमेंट को चेंज करके वीडियो आइडियाज पे कर दूंगा, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो 24th मार्च 2022 का ये वीडियो आइडियाज होगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे एचरेफ्स पे, एचरेफ्स जैसे कि आप जानते हो बहुत ही प्रीमियम टूल है, इसका मैं पेड वर्जन आपको नहीं दिखा रहा बिकॉज पेड वर्जन मैक्सिमम लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे और मेनली ब्लॉगिंग में ज्यादा यूज होता है, यूट्यूब में थोड़ा कम यूज होता है, लेकिन कॉन्टेंट आइडिया जनरेट करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। यहाँ पे अभी मैं नीचे स्क्रोल करूंगा, यहाँ पे आपको दो टूल को खोल लेना है, यहाँ पे आपको फ्री एसईओ टूल्स दिख रहा होगा, लिखा हुआ है कि फ्री है तो ये ऑलमोस्ट फ्री ही है। यहाँ पे आपको कीवर्ड जनरेटर और यूट्यूब कीवर्ड टूल इन दोनों को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो यूट्यूब कीवर्ड टूल भी खुल चुका और कीवर्ड जनरेटर भी खुल चुका। उसके लिए अब सबसे पहले हम लोगों को आइडिया लेना होगा, आइडिया लेने के लिए हम लोग वापस से जाएंगे इसके चैनल पे। यहाँ पे अब हम लोगों को कुछ देखना होगा कि किस टाइप के कीवर्ड्स को डालकर मैं और वीडियोस के आइडियाज निकाल सकता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हाउ टू क्रिएट पीडीएफ फाइल ऑन आईफोन, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अगर मैं कीवर्ड जनरेटर में जाकर टाइप करूँ पीडीएफ फाइल, आपको सिर्फ बेसिक कीवर्ड डालना है, पूरा कीवर्ड डालोगे तो आपको ढंग से कीवर्ड्स मिलेंगे नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स मैंने इसीलिए करके रखा है क्योंकि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इंग्लिश ही में स्टार्ट करो, बिकॉज जितना जल्दी आप प्रॉफिटेबल होगे आप उतना ज्यादा दूसरे बिजनेसेस में आराम से इन्वेस्ट कर पाओगे, और क्योंकि ये पैसिव इनकम चैनल
चैनल है, तो अगर आप मान लो कि किसी बिजनेस में बिजी हो जाते तो भी ये चैनल आपको पैसा बनाकर देता रहेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको दिखाया नए वीडियोस पे उतना व्यूज नहीं आता, जो पीछे बैकलॉग होता है वीडियोस का उन्हीं पे धीरे धीरे व्यूज आते रहता है। अभी मैं यहाँ नीचे स्क्रॉल करूंगा, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो हाउ टू रिड्यूस पीडीएफ फाइल साइज, यहाँ पे आपको पहला कीवर्ड आइडिया तुरंत ही मिल गया। यहाँ पे मैं इसे कॉपी करूंगा, जाऊंगा वीडियो आइडियाज वाले सेक्शन में पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो हमारा पहला कीवर्ड पेस्ट हो चुका है। अब हमारा दूसरा कीवर्ड हम लोगों को निकालना हो, आपको पहले सिमिलर साइज, अब आपको इसी सेम चीज को, ये कीवर्ड जनरेटर था गूगल का, अब ये यूट्यूब का जो कीवर्ड जनरेटर है उस पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सर्च करके रखा हुआ है। यहाँ पे मैं फिर से पीडीएफ फाइल टाइप करूंगा, क्योंकि आपको एक मैच बनाना होगा कि यूट्यूब पे क्या सर्च हो रहा है और गूगल पे क्या सर्च हो रहा है, जिससे कि आपको दोनों जगह का ट्रैफिक है। यहाँ पे मुझे कैप्चा फिल करना होगा। फ्री प्लान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि आपको बार बार कैप्चा फिल करने में टाइम वेस्ट होता है, लेकिन अगर आपके पास बजट नहीं है तो फ्री प्लान भी आपके लिए बेस्ट होगा। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो हाउ टू एडिट पीडीएफ फाइल, हाउ टू कंप्रेस पीडीएफ फाइल, हाउ टू रिड्यूस पीडीएफ फाइल साइज, हमारा जो पहला कीवर्ड था वो यही था हाउ टू रिड्यूस पीडीएफ फाइल साइज। और अगर मैं यूट्यूब कीवर्ड टूल में आपको जाकर दिखाऊं तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो ऑलमोस्ट 250 लोग इसे सर्च कर रहे हैं, बट ये एक सिंगल कीवर्ड है हाउ टू कंप्रेस पीडीएफ फाइल साइज, इसका भी मीनिंग सेम ही है। अगर आप इस पे वीडियो बनाओगे तो आप इस वाले कीवर्ड पे भी रैंक करोगे। अगर आपको थोड़ा बहुत भी एसईओ समझ में आता होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं आपको इस सेम कीवर्ड को जाकर YouTube पे सर्च करके दिखाऊं, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो मैंने इसे सर्च कर लिया, तो आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो 1.3 मिलियन व्यूज, 1.4 मिलियन व्यूज, 8.5K 6 महीने पहले, 164K। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो लोगों को व्यूज लगातार आते ही रहता है। एक बार आप इस टाइप के चैनल को बनाकर अगर एक साल तक ना भी काम, अगर आप एक साल तक कंसिस्टेंटली इस टाइप के चैनल पे काम कर लेते हो, ऑलमोस्ट अगर आप 2000 वीडियोस को अपलोड कर देते हो, तो फिर आपको ऑलमोस्ट 4,000 to 6,000 पर मंथ सिर्फ एडसेंस में पैसिवली आने वाला है। और आप स्पॉन्सर्स ले सकते हो, आप अफिलियट कर सकते हो, इसमें अफिलियट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होता है। अगर आपको अफिलियट अपॉर्चुनिटी कैसे एक्सप्लॉइट करना है इस नीच में तो मैं आपको बता दूंगा। अगर मैं आपको इस टाइप के वीडियो से अफिलियट अपॉर्चुनिटी दिखाऊं, तो अगर मैं आपको सिर्फ ऑफर वर्ड पे ले जाकर दिखाऊं, ये मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। अगर आप लोग डिमांड करोगे तो मैं इसका लॉन्ग लेंथ ट्यूटोरियल भी लेकर आ जाऊंगा। यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो पीडीएफ एडिटर $32 मैक्स बाउंटी, यहाँ पे आपके सामने दिखता है कि आपको पैसा कैसे बनाना है। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए, प्रॉपर अफिलियट स्ट्रेटजी होना चाहिए। मान लो कि आपको सिर्फ 100 व्यूज आए, लेकिन उसमें से एक बंदे ने इस ऑफर को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे सोडा पीडीएफ पीडीएफ एडिटर है किसी टाइप का, तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो ये पीडीएफ एडिटर था, हाउ टू एडिट अ पीडीएफ फाइल, आपने इस पे वीडियो बनाया, आपकी वीडियोस पे मान लो सिर्फ 100 व्यूज भी आए, तो आप समझ सकते हो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कमीशन दिखाया था $32 का कमीशन, और ऑफर वर्ल्ड पे सारी चीजें वेरीफाइड होकर लिस्ट की जाती है। ऐसा नहीं कि कोई भी कमीशन अमाउंट कुछ भी लिख दिया गया। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो सोडा पीडीएफ और भी 6 कंट्रीज में मैक्स बाउंटी को यूज करना, जिससे कि आपको कंट्री का प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको मैक्स बाउंटी पर अप्रूवल नहीं मिल रहा है तो आप बता सकते हो, कोई बहुत ही ज्यादा रॉकेट साइंस का काम नहीं है मैक्स बाउंटी पर अप्रूवल लेना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको आज के एग्जांपल के लिए हिसाब से इसी को दिखाता हूँ, हाउ टू एडिट पीडीएफ फाइल, इसे हम लोग कॉपी कर लेंगे। इस टाइप से आपको 10 आइडियाज को, जैसे कि अगर आप फर्स्ट डे 24th मार्च को पीडीएफ टारगेट कर रहे हो तो आपको सिर्फ पीडीएफ रिलेटेड वीडियोस ही बनाना है। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो ये बंदा कभी हॉटस्पॉट पे वीडियो बना रहा है, कभी वाईफाई पे वीडियो बना रहा है, कभी लोकेशन पे वीडियो बना रहा है, इसी वजह से इसका व्यूज थोड़ा डाउन है। और मैं आपको बता रहा हूँ एल्गोरिथम के बारे में कि अगर आप एक टाइप के वीडियोस को एक साथ अपलोड करोगे तो आपकी वीडियोस के नीचे आप ही की दूसरी वीडियो सजेस्ट होंगी, जिससे कि आपका जो 4000 आवर्स और 1000 सब्सक्राइबर्स वाला लफड़ा है वो तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। मैं तो इस टाइप के चैनल को लिटरली चैनल खरीद कर स्टार्ट करूंगा, बिकॉज पहला स्टेप स्किप कर देना ही बेस्ट होता है अगर आपके पास बजट है तो। अब जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे आप और भी कीवर्ड्स ऐड करते जाओगे आपको मिलते जाएगा हाउ टू एडिट पीडीएफ फाइल, हाउ टू रिड्यूस पीडीएफ फाइल, ये दोनों हम लोग यूज कर चुके हैं, हाउ टू कन्वर्ट पीडीएफ फाइल। इस टाइप से आपको ऑलमोस्ट 10 आइडियाज पर डे के हिसाब से आपको नोट डाउन कर लेना, और ये आपको मंथ के फर्स्ट डे ही डिसाइड कर लेना है कि आप कौन से 300 वीडियोस अपलोड करने वाले हो। क्योंकि अगर आप मान लो 3 वीडियोस को लिख कर आप छोड़ देते हो कि अब जा रहा हूँ सोने, अब क्या लिखूं, फिर से एचआरएफएस खोल कर खोज लूंगा, ऐसे नहीं। आपके पास पहले ही प्लान होना चाहिए कि जब आप सोकर उठो तो आपके पास पहले से, आपके पास डायरेक्टेड डायरेक्शन में काम करने का पहले से स्ट्रेटजी हो। आपको 300 वीडियोस के आइडियाज को लिस्ट डाउन कर लेना है, और सब अलग अलग आइडियाज होना चाहिए। कीवर्ड्स कैसे निकालना, आप इसी टाइप के कीवर्ड्स यूज कर सकते हो। एच सुपर टूल्स कैसे यूज करना है मैंने पुरानी वीडियोस में ऑलरेडी सिखाया हुआ, आप वहां से जाकर सीख सकते हो। अब हम लोगों को जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पे दिखा रहा था हाउ टू रिड्यूस पीडीएफ फाइल साइज, अब फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को इसका थंबनेल बनाना है, क्योंकि यहाँ पे थंबनेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसा कि मैं आपको फॉर एग्जाम्पल इस टॉपिक पे थंबनेल कैसे बनाने है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, हाउ टू रिड्यूस पीडीएफ फाइल साइज। तो यहाँ पे इसे हम लोगों ने ऑलरेडी शायद सर्च किया था यूट्यूब पे, हाउ टू रिड्यूस पीडीएफ फाइल साइज। तो इसके लिए हम लोग कैनवा पे जाएंगे, कैनवा पे जाने के बाद आपको यहाँ पे थंबनेल टाइप कर लेना है।
YouTube थंबनेल टाइप करने के बाद आप YouTube थंबनेल को ओपन कर लेना। यहाँ पे मैं ब्लैंक टेम्पलेट पे जाऊंगा, आप चाहो तो ऑलरेडी जो प्रीमेड टेम्पलेट्स है उन्हें भी यूज कर सकते हो, बट मुझे ब्लैंक से बनाना अच्छा लगता है बिकॉज वहाँ पे मेरे पास ज्यादा कंट्रोल आ जाता है। अभी मैं यहाँ पे जाऊंगा, सबसे पहले कलर को चेंज करूंगा। थंबनेल का सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है, खासकर अगर आप सर्च चैनल चला रहे हो, आपको अपने थंबनेल्स को और अलग जो थंबनेल्स होते हैं उनके बीच में टेस्ट करना होगा। अगर आपको लग रहा है कि आप खुद इस थंबनेल पे क्लिक करोगे तभी आपका थंबनेल बढ़िया है, पीडीएफ का साइज बिना क्वालिटी खोए कैसे कम करें। यहाँ पे हर जगह आपको जैसे कि एक थंबनेल में पैटर्न दिख रहा होगा, यहाँ पे सभी लोग जो है थंबनेल में एक बड़ा एमबी का पीडीएफ दिखाते हैं, उसके बाद एक छोटा एमबी का पीडीएफ दिखाते हैं। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो 10 MB to 50 KB इस टाइप से वीडियोस बनाए गए। तो यहाँ पे हम लोग कैनवा में जाएंगे, कैनवा में जाने के बाद मैंने रेड कर दिया। आप चाहो तो कोई और कलर भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो सीनरीज भी यूज कर सकते हो, आप मल्टीपल चीजें टेस्ट कर सकते हो। जिसमें आपका CTR हाई हो रहा है उसे आप बार बार यूज कर सकते हो। जैसे कि आप इस वीडियो के स्टार्टिंग में अगर जाकर देखोगे तो मैंने वो मीम दोबारा यूज किया, क्योंकि जो मेरा मोस्ट पॉपुलर वीडियो उसमें भी मैंने सेम मीम यूज किया था और उससे ऑडियंस का टेंशन हुक हुआ। वो वीडियो लिटरली अभी तक पर डे का 15,000 के रेट से व्यूज ला रहा है। तो आप समझ सकते हो आपके लिए जो चीजें काम कर रही है उसको आपको बार बार स्मार्टली रिपीट करना है। ये नहीं कि आपको कॉपी पेस्ट कर देना, दोबारा सेम वही कर देना, आपको उसमें चेंजेस ट्विस्ट ट्विक्स करना है जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, जिससे लोग आपके कंटेंट से बोर ना हो कि आप सेम चीज बार बार दिखाते हो। थंबनेल के लिए ये स्ट्रेटजी बेस्ट होता है। थंबनेल में मास्टरी, कलर कोडिंग, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी कोर्स में सिखाया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी मैं आपको यहाँ पे एलिमेंट्स के सेक्शन में जाकर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको पीडीएफ टाइप कर लेना। यहाँ पे मैं पीडीएफ टाइप करके एंटर कर दूंगा। यहाँ पे आप प्रो वर्जन में अगर हो तो प्रो वाले यूज कर पाओगे। मैं सिखाने के लिए प्रो वर्जन नहीं यूज करता तो मैं इसमें प्रो वर्जन नहीं यूज कर पाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ पे जो प्लेन वाला है इसे यूज कर ले रहा हूँ। यहाँ पे आपको इसका जो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो रेड आ रहा है। हमारे सिस्टम में कंप्यूटर या फिर मोबाइल में जो पीडीएफ आता है वो भी रेड ही कलर का होता है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको साफ दिख रहा है कि रेड बैकग्राउंड ढंग से काम नहीं करेगा, इसके लिए अब मैं एक और वाइब्रेंट कलर चूज कर लूंगा, येलो। आपकी ऑडियंस को तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि आप क्या बताना चाह रहे हो, क्योंकि लोगों के पास उतना टाइम नहीं है कि वो आपके थंबनेल को एक मिनट दो मिनट तक देखेंगे। अगर आपका थंबनेल अटेंशन हुक नहीं कर पा रहा तो आपको प्रॉब्लम होगा ही होगा। यहाँ पे मैं इसका कलर जो रेड है इसे और ब्राइट करूंगा जिससे कि ये और साफ साफ दिखे। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो ये और भी ब्राइट हो चुका है। अब मैं इसका जो शेडो है ये ब्लैक ही ठीक है। यहाँ पे आप मैं इसे सिर्फ कॉपी करके पेस्ट कर लूंगा। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो अब मैं यहाँ टेक्स्ट में जाकर टाइप कर दूंगा। जैसे कि आप बहुत सारे लोगों ने 10 MB को लिखा हुआ है 50 KB में। यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने टाइप कर दिया, फिर से इसे पेस्ट करूंगा। अब मैं इसे फिर से सेलेक्ट करके पेस्ट कर लूंगा। अब यहाँ पे इसे 50 KB कर लूंगा। आपका जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो थंबनेल बनाना काफी ज्यादा सिंपल और आप एक ही टाइप के थंबनेल्स को बार बार यूज कर सकते हो जो आपके लिए काम कर रहा है। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो मैंने थंबनेल बना लिया है। अब इसके ऊपर मैं एक और बैकग्राउंड ऐड करता हूँ जिससे कि ऑडियंस को पढ़ने में आसानी हो। यहाँ पे मैं जाकर लिख दूंगा रिड्यूस पीडीएफ फाइल साइज। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो मैंने इसे कर दिया रिड्यूस पीडीएफ फाइल साइज। यहाँ पे इसे आपको बड़ा बड़ा कर लेना है जिससे कि साफ साफ दिखे। अब आपको इसका बैकग्राउंड चेंज करना होगा, इसके लिए हम लोग एलिमेंट्स में जाएंगे। कैनवा प्रो में ऑलरेडी बैकग्राउंड का ऑप्शन आता है, लेकिन अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको मैनुअली इस तरीके से करना होगा जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे ब्लू सेलेक्ट करूंगा। आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको लगे कि ये सही से काम करेगा। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो अब ये हमारा ऑलमोस्ट थंबनेल रेडी हो चुका है। अब आपको यहाँ पे और भी चीजें ऐड करनी होंगी, जैसे कि मैं यहाँ पे एरो ऐड करूंगा क्योंकि एरो सबने ऐड किया हुआ था तो मुझे भी ऐड करना ही होगा। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो मैंने ये एरो मैं ले आया। यहाँ पे इसे मैं फिर से रेड कर लूंगा जिससे कि ये साफ साफ दिखे। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो 10 MB to 50 KB। अब मैं इसे थोड़ा छोटा कर लूंगा जिससे कि जो मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ ऑडियंस को वो आराम से चला जाए। यहाँ पे आप मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो आप टेस्ट एंड ट्वीक जैसे कि मैंने आपको बोला, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो विजुअल सी से पता चल रहा है कि पीडीएफ फाइल पहले बड़ा था उसके बाद पीडीएफ फाइल छोटा हो गया। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो 10 MB to 50 KB हो गया। अब आपको अपने वीडियोस के फीचर्स को ऐड करना होगा, उसके लिए मैं यहाँ वापस से टेक्स्ट में जाऊंगा। मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा विथ मोबाइल। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो मैंने टाइप कर दिया विथ मोबाइल। यहाँ पे अब आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो उसके बाद मैं इसे फिर से पेस्ट करूंगा। यहाँ पे अब आप जैसे कि देख सकते हो मैं इसे कैप्स लॉक ऑन करके laptop/PC लिख लूंगा। अब हमारा थंबनेल ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम लोगों को इस लैपटॉप पीसी का जो विजुअल्स होता है वो ऐड करना होगा। यहाँ पे मैं जाकर मोबाइल टाइप करूंगा। मोबाइल मैंने टाइप कर लिया, यहाँ हमारा मोबाइल आ चुका है। अब आप चाहो तो यहाँ पे अपना लोगो लगा सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे लोगो नहीं यूज करूंगा बिकॉज लोगो यूज करना एक सही स्ट्रेटेजी नहीं होगा। मैं जो यूज करूंगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो विद मोबाइल मैंने लिखा, मैं जो ये छोटा वाला पीडीएफ इसको कॉपी करके यहाँ पे वापस से पेस्ट कर लूंगा। यहाँ पे अब आप जैसे कि देख सकते हो मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर लूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे जाकर लैपटॉप टाइप कर लूंगा।
आप पीसी भी टाइप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो एक लैपटॉप आ चुका है, इसे भी हम लोग यहाँ पे ले जाकर लगा देंगे और वापस से इसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देंगे। हो गया हमारा पीडीएफ का जो ये है वो ऑलरेडी बन चुका है। मैं ऑलरेडी पर डे 10 थंबनेल से ऊपर बनाता हूँ, इसीलिए मुझे इंस्पिरेशन तुरंत आ जाता है क्योंकि मैं ऑलरेडी थंबनेल्स पे बहुत ज्यादा काम कर चुका हूँ, बहुत सारे थंबनेल्स बना चुका हूँ, टेस्टिंग कर चुका हूँ। लेकिन अगर आपको शुरू में इंस्पिरेशन नहीं आ रहा है कि खुद का थंबनेल यूनिक थंबनेल कैसे बनाया जाए, तो आप लिटरली कॉपी पेस्ट कर सकते हो जाकर यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जैसे बहुत जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस बंद ने 50 सेकंड्स को यूज किया, तो अब मैं 50 सेकंड्स नहीं यूज करूंगा बिकॉज 50 सेकंड्स काफी प्लेन लगता है। तो यहाँ पे मैं जाकर क्लॉक टाइप करूंगा, यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो क्लॉक आ चुका है। अब इसमें से आप बहुत सारे क्लॉक्स को यूज कर सकते हो, प्रो वर्जन में और भी बढ़िया बढ़िया क्लॉक होता है, बट शुरू में आपको इन सब में शुरू में आपको उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आपको मैक्सिमम कंटेंट को पुश करना होगा, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि आपको काम कैसे करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे इसे ब्लैक कर लूंगा, ये ब्लैक हो चुका है, ये जो इसका ग्रे डंडा है इसे मैं रेड कर लूंगा। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, अब मैं यहाँ पे वापस से जाकर टाइप कर लूंगा। अब आपको कुछ सेकंड्स को डालना होगा, जैसे कि और लोगों ने डाला हुआ है, मैं यहाँ पे डालूंगा 30.5 सेकंड्स, क्योंकि पॉइंट जो होता है वो ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करता है। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, मैं इसे नीचे ड्रैग करके लगा दूंगा। अब आप जैसे कि देख सकते हो हमारा थंबनेल ऑलमोस्ट रेडी। आप इसमें और भी चेंजेस करना चाहो, आप मेरे से ज्यादा क्रिएटिव बना सकते हो तो आप मेरे से ज्यादा क्रिएटिव भी बना सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव थंबनेल्स बनाता हूं, बट जो थंबनेल्स बनाता हूं उन पे क्लिक्स आता है, उससे ऑडियंस आता है, तो आप चाहो तो मेरी तरह थंबनेल्स बना सकते हो, आप चाहो तो अपने स्टाइल में भी थंबनेल्स बना सकते हो। अब आप बोलोगे कि इस टाइप के कंटेंट को बनाना कैसे, ये कहां से सीखेंगे? आपको सिंपली जाना है यूट्यूब पे, आपको जो जिस भी टाइटल पे आप वीडियोस बनाना चाह रहे हो ऑलरेडी वीडियोस बने हुए होंगे, आपको सिंपली कॉपी कर देना। आपको आप यहाँ पे आपको कोई ये नहीं बोल सकता कि आप मेरा कंटेंट कॉपी कर रहे हो, बिकॉज अब मैं अगर दिखा रहा हूँ कि यूट्यूब पे वीडियोस को डिलीट कैसे करते हैं, तो इसमें मैं कुछ नया नहीं बता सकता, मैं वही सेम चीज बताऊँ जो कि सारे लोग बताएंगे। तो इस टाइप का जो ट्यूटोरियल बेस्ड चैनल होता है, इसमें उतना कॉपी वॉपी का इशू नहीं होता, क्या लोग आपको बोलेंगे कि इसको आप कॉपी करो, जैसे मुझे बहुत सारे लोग कॉपी करते हैं, आप भी जानते हो, आपने देखा होगा जिनके मेरे से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है वो लोग मेरे स्टाइल का वीडियोस बनाते हैं, जिस चैनल आइडिया को मैं शेयर करता हूँ उसको फिर रीशेयर करते हैं, जिससे कि मुझे सजेस्टेड से व्यूज आता है। तो आपको यूट्यूब पे ही जाकर सीख लेना है, और उसके बाद आपको इसे अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा स्क्रिप्ट कर लेना और अपलोड कर देना है। और इस टाइप के चैनल में सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है कि इस टाइप के चैनल को कोई टेक डाउन नहीं कर सकता आपके। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो पीडीएफ एस्केप मैंने सर्च किया, यहाँ पे पीडीएफ एस्केप के ट्यूटोरियल्स आ चुके हैं 11 मिनट का 12 मिनट का, जिसे आप देखकर आराम से सीख सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।